दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक नई और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग की टीम के बारे में, जहां पर जो चेन्नई सुपर किंग की टीम है आईपीएल 2020 के ऑक्शन से पहले अपनी टीम से कोई दिग्गज खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। दोस्तों, कौन से वो दिग्गज खिलाड़ी, हम पूरी बातचीत करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएँ। दोस्तों, बात करें चेन्नई सुपर किंग की टीम की, तो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग की टीम ने आईपीएल 2019 की फाइनलिस्ट रही है, जहाँ पर इन्हें एक रन से हार का सामना करना पड़ा था। जहाँ पर जो चेन्नई सुपर किंग की टीम है उनका टॉप ऑर्डर रहा था पूरी तरह से फेल, जहाँ पर चेन्नई सुपर किंग की टीम के बल्लेबाजों ने लगातार खराब प्रदर्शन किया था। जहाँ पर इनका मिडिल ऑर्डर रहा था पूरी तरह से फेल, जहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी ने किया था काफ़ी अच्छा प्रदर्शन, और साथ ही शेन वॉटसन ने दो मैचों में काफ़ी अच्छी पारी खेली थी, और साथ ही आईपीएल 2019 के फाइनल में भी किया था काफ़ी अच्छा प्रदर्शन। यहाँ पर जो चेन्नई सुपर किंग की टीम है आईपीएल 2020 के ऑक्शन से पहले कोई दिग्गज खिलाड़ी को अपनी टीम से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। दोस्तों, बात करें नंबर वन की, तो यहाँ पर नंबर वन पर नाम आता है करण शर्मा का। करण शर्मा को एक ही मुकाबला खेलने को मिला था आईपीएल 2019 में, जहाँ पर चेन्नई सुपर किंग की टीम ने करण शर्मा को आईपीएल 2018 के ऑक्शन में 5 करोड़ रुपये में खरीदा था, जहाँ पर इन्हें कम मौके मिलते हैं क्योंकि जो चेन्नई सुपर किंग की टीम है उनके पास काफ़ी सारे स्पिनर गेंदबाज, जहाँ पर जो इमरान ताहिर वो काफ़ी अच्छे बॉलर, साथ ही चेन्नई सुपर किंग की टीम के पास रविंद्र जडेजा हैं और साथ ही मिचेल सेंटर हैं। तो यहाँ पर कम मौके मिलते हैं करण शर्मा को, तो यहाँ पर जो चेन्नई सुपर किंग की टीम है वो करण शर्मा को रिलीज करने वाली है, जहाँ पर उन्होंने आईपीएल 2018 में 6 मैच खेले थे और साथ ही 4 विकेटें चटकाई थी। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्पिनर हैं चेन्नई सुपर किंग की टीम के पास, तो यहाँ पर करण शर्मा को रिलीज करने वाली है सीएसके की टीम। अब दोस्तों, बात करें दूसरे खिलाड़ी की, तो यहाँ पर दूसरे खिलाड़ी हैं मोहित शर्मा। मोहित शर्मा को चेन्नई सुपर किंग की टीम ने 5 करोड़ रुपए में खरीदा था, जहाँ पर ये एक ही मैच खेले थे इस साल के आईपीएल में और साथ ही 1 विकेट चटकाई थी। जहाँ पर चेन्नई सुपर किंग की टीम के पास काफ़ी सारे फास्ट बॉलर हैं जो कि युवा फास्ट बॉलिंग कहते हैं, जहाँ पर दीपक चहर हैं, शार्दुल ठाकुर और साथ ही लुंगी एंगड़ी हैं और साथ ही डीजे ब्रावो हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे फास्ट बॉलर हैं चेन्नई सुपर किंग की टीम के पास। यहाँ पर जो मोहित शर्मा 5 करोड़ रुपये के काफ़ी महंगे खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग की टीम मोहित शर्मा को रिलीज करके काफ़ी सारे युवा खिलाड़ियों को खरीद सकती है। दोस्तों, बात करें तीसरे खिलाड़ी की, तो यहाँ पर तीसरे खिलाड़ी मुरली विजय। मुरली विजय को चेन्नई सुपर किंग की टीम ने आईपीएल 2018 के ऑक्शन में 2 करोड़ रुपये में खरीदा था, जहाँ पर ये बैकअप ओपनर की भूमिका अदा करते हैं, जहाँ पर ये लगातार काफ़ी खराब प्रदर्शन कर रहे हैं और काफ़ी खराब फॉर्म में चल रहे हैं। जहाँ पर ये 2017 के आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड चले गए थे, लेकिन 2018 के आईपीएल ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग की टीम ने इन्हें 2 करोड़ रुपये में खरीदा, लेकिन ये लगातार काफ़ी खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर इनका 32 का औसत चेन्नई सुपर किंग की टीम की तरफ से और साथ ही 64 रन बनाए इन्होंने 2 साल में। तो यहाँ पर जो मोहित विजय हैं वो कर रहे हैं काफ़ी खराब प्रदर्शन और इन खिलाड़ी को रिलीज करने वाली सीएसके की टीम। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है कि और कौन कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं जिन्हें सीएसके की टीम को रिलीज करना चाहिए, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, और चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।